73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंकित शुक्ला ने आर्मी में भर्ती होने वाले बच्चों को दिया तोहफा। उन्नाव में 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रनिंग प्रतियोगिता हमराह एक्स एनसीसी सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित शुक्ला के नेतृत्व में बुधवार को जीआईसी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निशुल्क राफेल डिफेंस एकेडमी उपसंचालक आशीष यादव जिला स्त्री रनिंग प्रतियोगिता राष्ट्रीय पर्व पर अंकित शुक्ला ने युवाओं को दिया तोहफा। आर्मी तैयारी करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए एक रनिंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा। उसमें उनको सेना भर्ती के लिए जल्द से जल्द आश्वासन दिया कि मैं आपकी भर्ती कराने कार्य। अंकित शुक्ला राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में तोहफा दिया। बच्चों को निशुल्क राफेल डिफेंस एकेडमी के बच्चों को एक महीने में दो बार शारीरिक मेडिकल टेस्ट, आर्मी में होने वाला रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट दो बार बच्चों से लेंगे, जिसमें आर्मी तैयारी करने वाले युवाओं का टेस्ट लेकर देखेंगे वह किस लेवल पर है। जहां वह समस्या से अधीन हो रहे होंगे वहां पर उनको बताकर उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। तब वह लोग जब भर्ती में जाएंगे वहां से 100 में से 80 बच्चे सक्सेस होंगे तो हमारे निशुल्क राफेल्स डिफेंस एकेडमी के बच्चों और बच्चे नामांकन कराएंगे। रनिंग प्रतियोगिता कराकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और मुख्य अतिथि सतीश शुक्ला, विशेष अतिथि मनोज शुक्ला ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उनको आर्मी में जाने के लिए प्रेरित करते हुए दो शब्द बच्चों को बताया। उन्नाव से जिला ब्यूरो मोहम्मद जमाल की खास कार्यक्रम है। किस तरह कार्यक्रम है, क्या है? सबसे पहले कि हमारी 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, उसके बरोबर हमने एक कार्यक्रम रखा था कि जिसे हमारे जो भी आर्मी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका मतलब जो भी निराशा है कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई है तो उनका निराशा दूर करने के लिए हमने ये सोचा कि चलो हम बच्चों को अपने साथ में मतलब हौसला बढ़ाते हैं तो हमारे बच्चे जैसे आर्मी में जाने वाले करने के लिए सम्मानित करेंगे क्योंकि वो जैसे हम वैसे हुए, क्योंकि हमारे जो किसान के बच्चे होते वही जाते हैं फौज में सिपाही बनके और हमारे कोई एमएलए और सांसद का बेटा नहीं जाता है। और पहली बात तो हमारी ये है कि हमारी भर्ती 3 साल से नहीं हो रही है, सरकार हमारी सबसे पहले तो ये करे कि हमारे युवाओं को देखते हुए भर्ती कराए। योगी सरकार में लगातार पेपर लीक होने का मामला सामने आया, क्योंकि हम लोग पेपर का मामला नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी किसान के बच्चे होते हैं हाई स्कूल से ज्यादा पढ़े नहीं होते, क्योंकि जेटी में जो भी जाता है हाई स्कूल इंटर के ही बच्चे जाते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारी आर्मी की भर्ती हो जाए।